नमस्कार दोस्तों एन के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं ख़ासतौर से जो प्रैक्टिकल वन टू थ्री है और प्रैक्टिकल टू में आपका मातृत्व बाल शिशु देखभाल जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज हमारा प्रैक्टिकल विषय है नवजात शिशु की देखभाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इस विषय को लेकर के सजग रहना सावधानी बरतना ये हम सभी का एक कर्तव्य है जो इससे संबंधित चाहे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं चाहे वो उस फैमिली के मेम्बर हैं जो वहाँ पर उपस्थित हैं और उस माँ का बहुत ही आवश्यक ये कर्तव्य बन जाता है कि बच्चे की देखभाल जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसकी ठीक से देखभाल होनी चाहिए तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर एस्टिन लता जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं आज इस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे आपको बताएंगे कि किस तरह से नवजात शिशु की देखभाल करनी चाहिए और प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें बहुत ढंग से हम लोगों को आनी चाहिए क्योंकि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको ना कहना जानता है न बताना जानता है न अपनी पीड़ा को कह सकता है न शेयर कर सकता है आपसे तो वो आपको जो संकेत उससे प्राप्त हों उसके स्वास्थ्य के अनुसार आप उसका देखभाल करें ध्यान रखें आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्नता जी नमस्कार श्रोतों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवजात शिशु की देखभाल के बारे में माता एवं शिशु की जो स्वास्थ्य रहना है तो उनके लिए जो घर में जो प्रसव करना सही नहीं है अगर मेटरनल मोर्टैलिटी रेट और न्यूनेटल मोर्टैलिटी रेट को कम करना हो तो हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना होगा ये है कि इंस्टीट्यूशन में चिकित्सक के संपर्क में चिकित्सक की देखभाल में माँ और शिशु के स्वास्थ्य बनाया रखेगा डिलीवरी अगर इंस्टीट्यूशन में होगा तो 48 घंटों तक चिकित्सक के संपर्क में रहेंगे और पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है शिशु के लिए क्योंकि गर्भावस्था के समय एक ऐसे वातावरण में रहता है कि वो बहुत कंफर्ट होगा अचानक प्रसव के दौरान जब वो बाहर आते हैं शिशु तो बाहर के वातावरण को अडॉप्ट करने में बहुत कठिनाई मिलती है तो उस कठिनाई को इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल में चिकित्सक की सहायता से माता और शिशु को बहुत अच्छी तरह से लाभ मिल जाती है और पहले की जो जन्म के पहला मिनट जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन मिनट इसी दौरान शिशु की श्वास नली कुल जाना और शिशु रोना और उसका सर्कुलेशन मेंटेन रहना ये सारे कहीं चीज़ें होते हैं और तापमान मेंटेन रखना यह सब तभी संभव होते हैं जब वो हॉस्पिटल में डिलीवरी होगा तो मैं चाहती हूँ आप सभी को कि हर एक गर्भवती महिला को पहले से ही प्रेरित करिए कि वो इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करें एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कार्यक्रम है जिसका नाम है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नवजात शिशु परिचर्या जितने भी शिशु के तापमान को मेंटेन रखना और उसके जटिलायों की आ, मैनेजमेंट करना और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देता है तो पुनर्जीवन का मतलब है रिससिटेशन मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाते हैं कोई जटिलता हो जाते हैं या पहला पोटी को वो सैलो कर लेते हैं या एमनियोटिक फ्लूड को एस्परेट कर लेते हैं तो इसमें शिशु का मृत्यु होना संभावना है तो इस चीज़ों में उसको रिससिटेट करना जिसे हम कहते हैं पुनर्जीवन इन सभी ट्रिक्स को या स्किल्स को हर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दिया जाता है इस नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को भी सीख कर अधिक से अधिक नवजात शिशु का हेल्प करें जन्म के समय परिचर्या यह इन विभागों में किया जाता है एक है सामान्य परिचर्या जो हर एक शिशु को लेकर हमें करना होगा और इसमें इसको हम रूटीन केयर भी कहते हैं हाइपोथर्मिया से बचाव गर्भस्थ महिला के अंदर जो वातावरण था वो बिल्कुल कंफर्ट है जिसमें शिशु को जैसे होना चाहिए उस तरह के वातावरण मिलता है लेकिन अचानक जब वो बाहर आते हैं तो ठंडा एक्सपोज uh, करना पड़ेगा कि ठंडी सरफेस होगी या uh, uh, हवाएं लगेंगे तो इन चीज़ों से बचाव करने के लिए हाइपोथर्मिया से बचाव करने के लिए हमें सुझाव करना होगा और बुनियादी नवजात पुनर्जीवन की न्योनेटल रिससिटेशन करना है और शीघ्र ही स्तनपान आरंभ करवाना ये सारे जन्म के समय की परिचर्या है सामान्य परिचर्या के अंतर्गत पहला आता है जैसे ही शिशु प्रसव से गर्भस्थ से बाहर निकलता है तो जन्म के पश्चात माँ के उधर पर लिटाना सही रहेगा क्योंकि ये त्वचा से त्वचा कांटेक्ट में रहेंगे तो ये हाइपोथर्मिया से मतलब तापमान गिरने से बचा पाएंगे और जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो उसका समय रिकॉर्ड करना है मिनट से मिनट और सेकंड से भी अगर हो सके तो समय रिकॉर्ड करना होगा और जिन शिशु को हम रिसीव करते हैं वो ट्रे वो ट्रे जो है स्वच्छ होनी चाहिए और सूखा होना चाहिए और गर्म होना चाहिए यानी कि क्लीन ड्राई और वार्म होना चाहिए और जो तौलिया हम यूज़ करते हैं क्योंकि शिशु जब जन्म होता है तो वो गीला आता है अंदर से तो उसे तुरंत हमें वो गीलापन हटा के सुखाना है तो हम ऐसी तोलियाँ यूज़ करें जो स्वच्छ सूखा और गर्म हो और उसके लिए हमें दो तोलियों की ज़रूरत है एक तोलिया से पूरा पोछना चाहिए और जो पोछते हैं वो सिर से लेके टांगों तक ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए क्योंकि नवजात शिशु का जो सिर है बाकी शरीर से सरफेस एरिया बड़ा होता है तो सिर का और जब पूरा इस तौलिया से पोचने के बाद जब तोलिया गीला हो जाती है तो उसे हटाकर दूसरी तौलिया से जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इस तरह से ढक कर उसे गर्म रखना चाहिए उसके बाद जैसे ही हमने सुखा के गर्म रख दिया फिर सक्शन करना चाहिए जो चित्र में दिखाई दे रही है ये म्यूकस सक्ष स, सकर है इससे पहले मुंह को साफ करनी है मुंह के अंदर जितने भी ये स्ट्राव है उन स्ट्राव को चार सेंटीमीटर से अधिक ना अंदर देते हुए सेक्शन करनी चाहिए पहले मुंह को फिर बाद में नाक के दो रंध्र को अगर बच्चा पहला पोटी गर्भस्थ प्रसव के दौरान जन्म से पहले ही अगर कर लेता हो अगर एमनियोटिक फ्लूड का कलर जो है हमें पीला या ग्रीनिश या ब्राउनिश कलर में दिखाई देता तो ये समझना चाहिए कि शिशु पोटी कर लिया है इसका इससे जो है उसे फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं तो इसमें हमें पहले तौलिया से पोचने से पहले ही हमें सक्शन करना ज़रूरी है सक्शन करें ताकि जो पोटी के जो पानी है फेफड़ों में ना जाए इसके लिए हमें बचाव करनी चाहिए उसके बाद आँखों की सफाई करें दो कॉटन के छोटे छोटे स्वैब को हम नॉर्मल सिलाइन लेकर उसमें डुबा कर एक स्वैप से एक आंख को और दूसरी स्वैप से दूसरी आंख को साफ कर कर उसे फेंकना चाहिए उसके बाद विटामिन के के इंजेक्शन लगवाना जरूरी है हर एक शिशु को जन्म के तुरंत ही विटामिन के के इंजेक्शन देना चाहिए एक किलो के से कम हो तो उसे पॉइंट फाइव एम का देना है और एक किलो से ऊपर के शिशु हो तो उनको 1 एम का विटामिन के इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर के दौरान देना चाहिए जब सब कुछ करने के बाद फिर स्तनपान को शुरू करवाने के लिए मां के पास लेकर जाना होगा और मां के पास स्तनपान करवाने के लिए आधा घंटे के अंदर अंदर ही ले जाना होगा हाइपोथर्मिया से बचाओ शिशु का जब जन्म होता है तो उस कमरे का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा होना चाहिए उससे कम ना हो और कोई खिड़की या कोई पंखे या एसी हो तो वो सारे बंद करके इस तापमान पे कमरे को मेंटेन रखना होगा और बेबी की डिलवरी के दौरान स्वच्छ सूखे और गर्म ट्रे को ही इस्तेमाल करें क्योंकि कभी हम गीला ट्रे को यूज़ करें तो वैसे ही शिशु का जो है जन्म होता है तो गीला आता है तो और गीला वाले में करें तो तापमान जो है और गिर सकता है एंड जितना भी साफ़ सफाई जो हम करते हैं या ड्राई करते हैं उस ट्रे को हम इस जगह रखें जहां उसके ऊपर एक ओवरहेड लैंप लैम्प हो वो लैम्प जो है 200 वाट की बल्ब भी हो तो भी चले जा चल सकता है और माँ और शिशु को त्वचा से त्वचा संपर्क रखे ये सारे परिचर्या करने के बाद तुरंत ही माँ के पास शिशु को पहुँचाना चाहिए और बिना कोई कपड़े पहनाए शिशु को माँ की त्वचा से संपर्क रखे ताकि उन दोनों की जो बॉन्डिंग है मदर एंड बेबी का जो बॉन्डिंग है वो बनाए रहेगा और स्तनपान स्थापित होने के लिए आ, हेल्प करेगा और स्वच्छ और गर्म तौलिया को आ, आ, रखना है एक तौलिया जैसे मैंने पहले बताया है कि एक तौलिया गीला होते ही उसे हटाना है और दूसरी तौलिया से उन्हें अच्छी तरह से रैप करके कर रखना है बुनियादी नवजात पुनर्जीवन बहुत कम मात्रा में ऐसे बच्चे शिशु होते हैं जिनको अपने आप रो नहीं पाते हैं जिनको कुछ स्टिमुलेट करना पड़ता है जैसे कि उसी को हम कहेंगे रिससिटेट करना रिससिटेट में हम कुछ स्टेप्स तक हम अपने आप कर सकते हैं जो मैं अभी बता रही हूँ इसके अलावा अगर फिर भी अगर शिशु नहीं रोता है तो चिकित्सक की संपर्क करना होगा या चिकित्सक के पास तुरंत ही लेकर जाना होगा जैसे कि मान लीजिए अगर घर पर प्रसव होता है तो हमें वहाँ पर चिकित्सक नहीं मिलता है तो किस तरह से हमें करना है पहले नाबिनाल को काटकर कर माँ और शिशु को दोनों को अलग रखना है और उसके बाद स्वच्छ सूखा और गर्म तौलियों से पहले बताया जैसे साफ़ करना है और तुरंत ही शिशु के कंधों के नीचे एक इंच मोटे की रुमाल को फोल्ड कर कर रखना है इससे क्या होगा श्वास नली खुल जाती है और जैसे ही श्वास नली खुला खुल गया तो अपने आप शिशु रोता है अगर इस समय में भी अगर शिशु नहीं रोता है तो म्यूकस सक्शन से पहले मुंह फिर बाद में नाक को साफ़ करनी चाहिए साफ करने के बाद फिर दोबारा फिर पोजीशन करनी है वही मोटे रुमाल पर फिर से करना है तब भी नहीं अगर रो रहा है तो हमें स्टिमुलेट करना है स्टिमुलेट हम हल्का सा तपतपाना है या नहीं तो पैर को हमें एक आ, फिंगर से फ्लिकरिंग करना है तो स्टिमुलेट करने से वो रो जाता है अगर इन सारे चीज़ें करने के बाद भी अगर नहीं रोता है तो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाना है अगर हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होते हैं तो ये सारे चीज़ नर्स या डॉक्टर तुरंत ही करते हैं इन सारे चीज़ों को हम पहले तीस सेकंड के अंदर ही करना चाहिए जन्म के तुरंत ही और नाबिनाल काटने की विधि जैसे ही माँ और शिशु को अलग कर देते हैं उसके बाद नाबिनाल कोबडोमन के दो इंच के ऊपर एक लैगेशन लगानी है और फिर दूसरा लैगेशन अपडोमेन से पाँच सेंटीमीटर के दूर पर लगानी है इन दोनों के बीच में हमें कॉर्ड को क्लैंप करनी है कॉर्ड को क्लैंप करने के बाद और साफ सुथरा सीजर से या ब्लेड से मतलब स्टेराइल वाले ब्लेड से हमें नाभि को काटना है तो यह सारा जो है एक से तीन मिनट के अंदर ही हमें करना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वातावरण इसे हम पांच सी या पांच क्लींस को हमें याद रखना है जो यह जब हम करते हैं तो स्वच्छ हाथ होनी चाहिए मतलब हैंड वॉश करना होगा और स्वच्छ डिलीवरी सरफेस जो जिस पे हम डिलीवरी करवाते हैं वो सरफेस जो है बेबी को जो रिसीव करते हैं या बेबी को पहली बार हम लेते हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए और स्वच्छ कार्ड कट जिससे भी हम कट करते हैं जैसे कि ब्लेड हो या सीजर्स हो वो क्लीन और हाइजीन और स्टेराइल होनी चाहिए और स्वच्छ कार्ड टाई जिससे भी हम बांधते हैं जो क्लैम्प हम कहते हैं पहले रूही धागा से बांधा करते थे अब अम्बलेक्ल क्लैम्पस मिलते हैं तो वो भी स्वच्छ और स्टेराइल होनी चाहिए उसके बाद जो कटने के बाद जो स्टंप होती है वो भी स्टेराइल रखना चाहिए काटने के बाद सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस चित्र में जैसे दिखाई दे रही है सेकेंड वाला एक अम्बेकल कॉर्ड में दो आर्टरीज होते हैं और एक वीन होती है तो तीन चित्र हमें देखने को मिलता है दो छोटे छोटे छिद्र और एक बड़ा छिद्र इसे देखकर नोट करना होगा इसके बाद श्वसन क्रिया स्थापित होना नाइन्टी नाइन प्रतिशत बच्चों को या शिशुओं को अपने आप ही ये श्वसन क्रिया स्थापित हो जाती है बच्चे प्रसव होते ही अपने आप रोते हैं रोना शिशु का रोना मतलब नली खुल गया है और ऑक्सीजन जो है पहुंच गया है फेफड़ों तक पहुंच गया और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच गया है नहीं अगर ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमें जैसे पहले मैंने बताया कि रिससिटेशन करना है पुनर्जीवन करने की स्टेप्स करना है और श, श, शिशु का रोना इसका मतलब है श्वसन क्रिया स्थापित हो गया है और श्वसन का दर जो है तीस से लेकर साठ मिनट का होता है तो इस तरह से अगर होगा तो ये बेबी नॉर्मल है श्वसन क्रिया स्थापित कराने हेतु क्या ना करे मान लीजिए शिशु नहीं रोया है या उसका श्वसन दर नहीं स्थापित हुआ है तो कुछ स्टिमुलेट करने के लिए कुछ कुछ लोग अत्यधिक उत्साहित दिखाते हुए पीठ को बार बार तपाना और रिब केज को तेज से दबाना या उनके जो थाइस तइज को अपने उधर पर शिशु के उधर पर फोर्सफुली जो है लगाना या कुछ ऐसे कैथेटर या कोई ऐसे चीज़ों से उसका मल के द्वार को स्टिमुलेट करना या गर्म और ठंडे पानी से उसको बार बार जो है छिटकाना या शिशु को उल्टा सीधा शेक करना ये सारे चीज़ें करते हैं ताकि वो श्वसन का क्रिया स्थापित हो लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए ये सारे नहीं करने के बातें हैं और इस नवजात शिशु की देखभाल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका माता और उसके परिवार को संपूर्ण पोषण युक्त संतुलित आहार के बारे में अवगत कराना है माता को नवजात शिशु और अपनी शारीरिक स्वच्छता के बारे में जागरूक करना माता एवं परिवार को स्तनपान का महत्व बताना माता एवं परिवार को नाबिनाल की देखभाल के बारे में अवगत कराना कि अग किस तरह से कोई अगर इन्फेक्शन हो या ना भी तुंडी हो ना भी सूज गया हो ये सारे बातें पहले से ही बताकर रखना इस तरह से हो तो वो तुरंत चिकित्सा चिकित्सक के संपर्क करें माता एवं शिशु को प्रसवोत्तर चिकित्सक के परामर्श के लिए प्रोत्साहित करना कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि एक बार प्रसव होने के बाद वह दोबारा चिकित्सक के पास नहीं आते जब तक कोई गंभीर बीमारी ना हो ऐसा नहीं करना चाहिए प्रसव होने के बाद पहले हफ्ता में और फिर पंद्रह दिन के बाद फिर एक महीने के बाद चिकित्सक को कोई प्रॉब्लम ना भी हो फिर भी परामर्श ज़रूर करना चाहिए और शिशु को विटामिन के इंजेक्शन देने के बारे में अवगत कराना स्पेशली जब वो घर में प्रसव होते हैं तो उनको फिर हॉस्पिटल ले जाकर विटामिन के, के इंजेक्शन देने के लिए कहना पड़ेगा माता के अंदर अपने एवं शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का आत्मविश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है कई बार माता यह सोचती है कि अपने शिशु के लिए जो स्तनपान दे रहे हैं वो सही तरह से अपना दे रही हैं या नहीं या कम तो नहीं पड़ रहा है या जो मैं आहार ले रही हूँ सही है या नहीं इस तरह से वो आत्मविश्वास खो जाती हैं तो उनको आपके ज़रिए आत्मविश्वास पैदा करिए इसके अलावा शिशु के टीकाकरण और जन्म का पंजीकरण करवाने की सलाह दें और माता एवं परिवार को नवजात शिशु में होने वाले निमोनिया सेप्सिस या मेनन्जेटिस इन लक्षणों के बारे में पहले से ही जागरूक कर कर शीघ्र ही पहचान करने के लिए कहना है इस तरह से अगर वो पहचान पाते हैं तो वो तुरंत ही अस्पताल ले जाकर उसको शिशु को बचाने की कोशिश करे ताकि न्यूनेटल मोर्टैलिटी रेट को कम करने में सहयोग करें इस तरह से नवजात शिशु की देखभाल करनी चाहिए जैसे कि जन्म होते ही उसका सामान्य परिचर्या किस तरह से करना है और नाबिनाल का कर्तन यानी कि कैसे काटना है और उसके पांच पाँच सी जो फाइक्नस के बारे में जो है उसका ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से उसको हाइपोथर्मिया से ताप बचाना है और शरीर की तापमान को मेंटेन रखना है और माँ से स्तनपान को शुरू करवाना मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर ही शिशु को माँ की स्तनपान को शुरू करवाना ये सारे चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए नवजात शिशु की देखभाल करनी चाहिए तो मैं आशा करती हूँ आप सब ये सारे बातें ध्यान में रखेंगे और अपनाएंगे धन्यवाद